बाबा वीरेंद्र दीक्षित के समर्थन में आए ओम बाबा और अब ओम बाबा उल्टे बाबा पर आरोप लगाने वालों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वीरेंद्र दीक्षित और कथित बाबा को 4 जनवरी में पेश होने से भी कोर्ट में मना कर दिया है। बाबा ओम से बात की हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के सपोर्ट में ओम बाबा ने मोर्चा खोल दिया है, दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ओम बाबा या कहें बवाली बाबा, कुछ भी कहिए, हम तो आपके भक्त हैं पत्रकारों के। देखिए, ये वीरेंद्र देव दीक्षित के साथ में अन्याय हो रहा है और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल को जो CIA के एजेंट हैं उनको करोड़ों रुपए इस काम के लिए दिए गए हैं। आप जानते हैं वीरेंद्र देव दीक्षित आज भी मेरे संपर्क में है, अभी भी उनसे मेरा टेलीफोनिक बातचीत हो रही है, उनको मैं सरेंडर भी करवाऊंगा, आपके चैनल में मैं इंटरव्यू भी करवाऊंगा। आप फर्जी बातें ही बहुत करते हो। ऐसा है कि फर्जी बातें मुझे आपको शायद मालूम होगा, आपके चैनल में भी मैंने कहा था कि पूरी दुनिया में अकेला मैं हूँ जिसको सच बोलने का लाखों साधुओं ने मिलकर के उपाधि दी। वहाँ पिटे भी तो थे आप, मारपीट भी तो हुई थी, आपने भी हाथापाई की थी। ये तो आप मतलब मारपीट हर जगह पे शुरू हो जाते हैं, अब भी ऐसी जगह जहाँ पे हंगामा है यहाँ पर भी हो सकता है मारपीट हो जाए, वो मौका नहीं छोड़ते। ऐसा है कि जब हम देश के लिए काम करेंगे, धर्म के लिए काम करेंगे तो ये होना ही होना है। जब शिरडी के साईं बाबा को हमारे गुरु नानक देव जी को जब लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज हैं? तो वीरेंद्र देव वशिष्ठ के वीरेंद्र देव दीक्षित के सपोर्ट में आप बाबा के? बिल्कुल, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। जो भी हिंदू हैं, देखिए मेरी मैं ओम जी हिंदू महासभा का ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ, मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो भी हिंदू नामधारी है उसका उसके सपोर्ट में मैं था, हूँ और रहूँगा। CBI को डायरेक्शन दिया गया है तो CBI करे ना इंक्वायरी, CBI को काम करने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। वीरेंद्र देव दीक्षित कहाँ हैं? वीरेंद्र देव दीक्षित इंडिया में है, अभी इंडिया से बाहर नहीं है, मेरे संपर्क में है। मैं थोड़ा सा बवाल को शांत करने के बाद उन लोगों को आपके सामने 4 जनवरी को पेश होने को कहा है। 4 जनवरी को मैं उनको पेश नहीं कर रहा हूँ, गीता मित्तल को यह बात हमने बता दी है, मेरा पिटीशन भी लगा हुआ है, 2 जनवरी को उसकी हियरिंग है। अपराधी को छुपाकर आप भी तो अपराध के भागीदार? कोई अपराधी नहीं है, जब तक कन्विक्शन नहीं होता तब तक कोई अपराधी उसको कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, वीरेंद्र देव दीक्षित के सपोर्ट में बवाली बाबा अब दिल्ली महिला आयोग के बाहर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि वीरेंद्र देव दीक्षित रोज इनको फोन करता है और ये रोजाना वीरेंद्र देव दीक्षित के सपने में आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।